अब इंस्टाग्राम की रीच 100 times बढ़ने वाली है। यस, इंस्टाग्राम पे ऐसे 4 अमेजिंग स्टोरी अपडेट्स आए हैं। स्टोरी अपडेट्स के इंस्टाग्राम के ये अपडेट जो हैं वो रिवील हुए हैं एंड दीज आर अमेजिंग्स, जिससे अब कोई भी आपकी इंस्टाग्राम की रील पे बिना रिएक्ट किए तो नहीं जा सकता। इवन इंस्टाग्राम के आपके जो भी ये ऑप्शंस हैं ये बहुत टाइम से अवेटेड थे एंड इनके आने के बाद अब आपकी एंगेजमेंट तो बढ़ेगी, उससे व्यूज़ बढ़ेंगे। मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं एंड ये अपडेट्स और डिटेल में आपको बताने के लिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। यहाँ से आगे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे इंस्टाग्राम पे आपको लेके चलता हूँ एंड यहाँ से मैं आपको कोई स्टोरी लगा के दिखा देता हूँ। कोई भी रैंडम स्टोरी मैं उठा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई भी एक कैमरा ऑन कर लेता हूँ। ओके, कैमरे पर देख लेते हैं, ये हमने ले लिया फोटो एंड यहाँ पे जैसे ही मैं स्टिकर वाले ऑप्शन पे जाऊँगा आप देखो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे एंड इनमें 4 ऐसे अमेजिंग अपडेट्स आए हैं जिससे हमारी रीच बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप देखो, पहला ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको विच इज़ फ्रेम। अब जैसे ही हम फ्रेम पे टैप करेंगे और मैं कोई भी यहाँ पे स्टोरी लगाता हूँ तो यहाँ पे अब मैं कुछ भी फ्रेम में ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी हाय जैसे जो भी आपको ऐड करना है एंड फ्रेम की तरह दिखेगा वो एंड दिस वुड लुक कूल एंड फोटो विल रिवील ऑन शेक एंड ये जैसे हम लोग फोटो पे देखो मेरा वाला फ्रेम हमने लगा दिया एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं ओके शेक टू रिवील, ऐसे कर देंगे है ना, हमें शेक करना पड़ेगा एंड उसके बाद ये फोटो रिवील होगी। जैसे मैं यहाँ से डन करता हूँ इसे, पीछे का जो फोटो है वो देखो वो अपने आप ही ब्लर हो जाएगा जैसे मैं इसको पोस्ट करूंगा एंड उसके बाद अपने दूसरे मोबाइल से जब मैं स्टोरी देखूंगा मुझे इस तरह से शेक करना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरे पास यही फ़ोन है तो मैं इसी से दिखा पा रहा हूं, तो पीछे की स्टोरी तब निकल के आएगी। ओके, एक तो ये हो गया शेक टू रिवील। दूसरा मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, फॉर नाउ आई एम डिस्कार्डिंग इट। ओके एंड वापस से कोई नई फोटो ले लेता हूँ। ओके ये नहीं, ये तो लड़के वाला पोज है, ये ठीक है, यस है ना, ये ले लिया। अब हम वापस स्टिकर पे जाएंगे एंड द बेस्ट थिंग आई कैन सी रिवील। अब देखो यहाँ पे हम कोई मैसेज लिखेंगे, कोई भी मैसेज लिख देंगे, मैं लिख देता हूँ ओके इमोजी या फिर रिएक्ट ओके रिएक्ट लिख दिया हमने एंड डन। अब मैं इसको अब देखो जैसे ही मैं इसको पोस्ट करूंगा देखो प्रीव्यू ऐसा दिखेगा, पीछे की फोटो अपने आप ब्लर हो जाएगी एंड जैसे ही कोई यहाँ पे मैसेज लिखेगा कुछ भी रिएक्ट करता है कुछ भी यहाँ पे ऐसे, ये तो ऊपर आ रहा है ओके। अब कोई मुझे मैसेज करेगा ना, जब मैं फॉर एग्जांपल ये कर देता हूँ, चलो इसे डन कर देता हूँ अभी के लिए, प्रीव्यू में कुछ इस तरह का दिखेगा यहाँ पे, अगर कोई मैसेज करेगा तो ही ये फोटो दिखना स्टार्ट होगी। मैं करके देखूँ एक बार इसे पोस्ट। ओके आप कह रहे हो तो पोस्ट करके देख लेते हैं, यहाँ से हम प्रीव्यू कर देते हैं एंड स्टोरी पोस्ट कर दी मैंने एंड मैं इससे अभी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, लेट्स सी। ओके यहाँ पे आई होप मेरा ये वाला फ़ोन आपको दिख रहा होगा एंड मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, पुनीत की स्टोरी आई है कि नहीं आई। आ गई, देखो इस तरह की दिखेगी, राइट इस तरह की स्टोरी दिखेगी। अब मैं यहाँ पे रिएक्ट करूँगा कुछ भी ओके एंड मैं यहाँ पे जैसे कर देता हूँ ये वाला एंड जैसे ये करूँगा ये देखो अपने आप खुल गई स्टोरी पीछे की, दिख गई ना। तो किसी ना किसी को रिएक्ट करना ही पड़ेगा, रिएक्ट कर रहा है तो एंगेजमेंट बढ़ रही है, एंगेजमेंट बढ़ रही है तो यस व्यूज आएंगे ही आएंगे हमारी स्टोरी पे, रिएक्शन मतलब मज़ेदार है ये चीज़। ओके बट उसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन को पहले अपडेट करना पड़ेगा। ये स्टोरी मैं अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। ओके आपको अपना फ़ोन अपडेट कर लेना है। अब मैं और नया ऑप्शन बता देता हूँ और क्या है, यहाँ से कोई भी एक और स्टोरी लगा लेते हैं। ओके यहाँ से मैं कोई एक स्टोरी लगा लेता हूँ ये वाली, ओके नहीं ये वाला करते हैं है ना एंड यहाँ से वापस से हम लोग टैंपलेट्स पे जाएंगे एंड ऐड योर टैंपलेट का एक ऑप्शन मिल गया है, ऐड योर म्यूजिक का ऑप्शन मिला है, टैंपलेट का नहीं, ऐड योर म्यूजिक का ऑप्शन। हम लोग यहाँ से फोटो ले लेते हैं, ऐड योर म्यूजिक लगाते हैं। कहाँ पे है ऐड योर म्यूजिक, ये आ गया, नया आया है। यहाँ पे हम कोई भी अपना म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, म्यूजिक में से उठा के ये कर लिया है। ओके आवाज़ कम कर देता हूँ, वॉल्यूम कम कर दिया एंड इसी तरह से जैसे ऐड योर टेम्पलेट्स था ना अब ये आ गया है एंड यहाँ पे हमारी स्टोरी बहुत सारे लोगों तक जाएंगे जो भी अपना लोग फेवरेट म्यूजिक ऐड करते हुए चले जाएंगे, मिलियंस में चले जाते हैं ऐड योर टेम्पलेट्स का, आपने देखा होगा व्यूज। ओके एंड द लास्ट, ओके वो देख लेते हैं, कंटिन्यू एडिटिंग, यहीं से टेम्पलेट ले लेते हैं एंड लास्ट है हमारा रिवील, हमने कर लिया फ्रेम शेक कर लिया, हमने ऐड योर कर लिया, अब एक है कट आउट ये वाला ऑप्शन।
वेरी नाइस, कटआउट का ऑप्शन पहले आपने देखा होगा, उसमें आ रखा था ऑलरेडी। ओके, अब हम यहाँ से, ये तो एक वीडियो है लेकिन कटआउट हम ले सकते हैं, मतलब कोई भी आपकी जो फ़ोटो है, फ़ोटो से आप इस तरह से कटआउट बना सकते हैं। पहले सिर्फ ये पोस्ट पे था लेकिन अब ये इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी आ गया, यूज एज अ स्टीकर, यहाँ पे हमारा स्टीकर बन जाएगा। ओके, क्योंकि ये अच्छा फ़ोटो नहीं आ रहा था इस वजह से ऐसा दिख रहा है, वरना कटआउट था पहले। ओके, इस तरह से कटआउट कर लोगे आप, ये अपडेट, कटआउट्स वाले अपडेट भी आपको पता लग गए हैं, राइट। आई होप ये ऑप्शन आपको मिल गए होंगे, बट अगर नहीं मिला है तो आपको एक ही काम करना है, यस, अपडेट कर लो अपने इंस्टाग्राम को, राइट। आई होप आपको अपडेट्स मिल गए होंगे, नहीं मिले तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, आप अपडेट कर लो अपने इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन को, आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर नहीं मिलते तो बीटा में आए, बट बहुत जल्दी आपको ये मिलने वाले हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आई होप आपको उसी के साथ साथ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से पक्का कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो कमेंट बॉक्स में यस नो लिख कर वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन होता है और ज्यादा ना अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच।